हम गौरी नंदन श्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्यों सब देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं, क्यों सब देवों
करा हटाओ। नंदी ने भी गणपति को है बार बार समझाया, माने नहीं वो, फिर नंदी ने बल पर योग दिखाया। बड़े ही बलशाली है गणपति, नंदी हारे हैं, फिर तो शिव गण उन्हें हटाने आ गए सारे हैं। सब मिल करके गणपति को हटा न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्यों सब देव भी सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गणपति जी महाराज, मेरे बना दो बिगड़े काज। हे गणपति जी महाराज, मेरे बना दो बिगड़े काज। गणपति को समझाया था, हटे नहीं जब द्वार से, वो तो किया है बल पर योग। पांच शक्तियां इंद्र देव ने दी गणपति पे छोड़, लेकिन पांच शक्तियां भी कुछ काम न आई थी। लौट गई वो जब गणपति ने गदा चलाई थी। फिर तो क्रोध में भर भोले अपना त्रिशूल चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। त्रिशूल गर्दन हो गई थी न्यारी, गौरा माने जब देखा तो रुदन किया भारी। बोली कि क्या किया आपने, ये है भोलेनाथ। द्वारपालिए बन के खड़ा था मान के मेरी बात, लाल मेरे के प्राण तुम्हें वापिस होंगे लौटाने। रो रो करे बिलाप मगौरा, बात नहीं वो माने। कहने लगे भोले गणेश का खंडित शीश हुआ, पीठ घुमा कर सोई हो जो बच्चे से माँ। उस बच्चे का शीश तो हम गणपति को लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। से वो बालक न पाए, खोज खोज वो हार गए छानी दिशा सभी। एक हथनी आई नजर थी उन सबको तो तभी, हथनी के बच्चे की गर्दन वो तो ले आए। भोलेनाथ ने वो गर्दन गणपति
गति को है लगाए। लगी जो गज की गर्दन वो जिंदा हो जाते हैं। सबसे पहले मात पिता को शीश झुकाते हैं। इसीलिए तो गजानन भी ये कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं सुनाते
घुमाए। भोले जी फिर उनको किस्सा सभी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कितने सेवक महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।